दिल्ली की मोतीनगर की ग्रीन कैपिटल डीएलएफ सोसाइटी में बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतारे गए 5 मजदूरों की मौत के बाद सीवर मजदूरों की बदहाल जिंदगी का दर्द एक बार फिर से सतह पर आ गया है। हाँ, सरकार ने जांच का आदेश देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की है। तो हर साल कितने मजदूर सीवर की सफाई के दौरान मर रहे हैं, ये आपके सामने है। और सीवेज टैंक की सफाई करते हुए कल 5 मजदूर दिल्ली में मर गए, तो उनकी मौत को क्या कहा जाए, अदद लापरवाही या बेपरवाह सिस्टम? हद ये कि कल मोतीनगर में जो 5 मजदूर मरे उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कभी सीवेज की सफाई तक नहीं की थी। डीएलएफ की लापरवाही से है, जो वहाँ पे हाउसकीपिंग है उनकी लापरवाही से है, किसी लड़के के पास में कोई सेफ्टी गार्ड है, अगर गंदे नाले में इनको सफाई करने के लिए बता रहा है कोई सेफ्टी गार्ड कुछ ऑक्सीजन कुछ दे के भेजेंगे ना, कहीं पैसे थोड़ी भेजेंगे। साथ में लड़का काम करता है वो बता रहा है कि इतना इतना वहाँ पे पानी रहता है, इतने पानी में बच्चा कभी नहीं डूबेगा, वो इनको सांस लेने में दिक्कत हुई और वो लोग डूबे हैं। सीवर टैंक के पास गया, ना कोई ग्लव्स था ना कोई माउस था, जीना था 3 फुट का जीना था और 15 से 20 फुट की टैंक थी, उसमें पानी नियो कमर तक का पानी था उसमें ना। पहली बार तो उनको गिरा नीचे काम करने के लिए भेजा, तो उसमें चाहिए ऊपर सुपरवाइजर हाँ देखे कि बंदा हमारा सेफ है या नहीं है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने मोतीनगर थाने से कुछ दूर पर डीएलएफ बिल्डिंग के गेट को घेर जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम की। लेकिन सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में भी बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। दिल्ली में सीवेज सिस्टम की सफाई के काम का पूरी तरह मशीनीकरण नहीं किया जा सका है। पिछले साल अगस्त में सीवर की सफाई के लिए मंगाई गई 200 मशीनें अभी तक जल बोर्ड को मिली ही नहीं है, जबकि जल बोर्ड खुद सीएम संभाल रहे हैं। 1 साल पहले सीवर में मजदूरों की मौत के बाद दिल्ली के 11 जिलों में सरकार की तरफ से हाथ से सीवर की सफाई करने वालों का सर्वे होना था ताकि उन्हें सरकार की तरफ से ट्रेनिंग और जरूरी किट दी जा सके, लेकिन 11 में से सिर्फ 2 ने अपने यहाँ मैनुअल स्कैवेंजर्स होने की जानकारी दी। नतीजा दिल्ली में फिर बड़ा हादसा हो गया। सिस्टम सारा दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली सरकार के पास है। जब इतनी घटनाएं पहले हो चुकी है, हर घटना के बाद ये कहता है जी मैं अब आदमी नहीं जाएंगे, मैनुअल कोई साफ नहीं करेगा, मशीनों से जाएंगे, ये खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में मोतीनगर हादसे से कोई सबक सीखेगा, इसकी उम्मीद बेमानी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।